लखनऊ से बड़ी खबर है। घंटा घर पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ प्रशासन जो है वो सख्त हो चुका है। प्रदर्शन कर रहे बच्चों के घर वालों को नोटिस भेजा गया है। बाल कल्याण समिति ने बच्चों के घर वालों को नोटिस जारी किया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रदर्शन से हटाने का आदेश दिया गया है। तो घंटाघर पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और प्रदर्शन कर रहे बच्चों के घर वालों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस देकर उन्हें यह आदेश दिया गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते, उनके परिवार वाले उन्हें वापस बुलाएं। बाल कल्याण समिति ने बच्चों के घर वालों को ये नोटिस भेजा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से खबर है। घंटा घर पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ प्रशासन जो है वो सख्त कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया गया है। गगन मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गगन, नोटिस भेजा गया है, एक तरह से आदेश दिया गया है घर वालों को कि आप अपने बच्चों को बुलाइए, 18 साल से कम उम्र के बच्चे प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते। आप देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार बाल संरक्षण आयोग के साथ साथ मानवाधिकार कई बार नोटिस दे चुका है कि जो बच्चे जो महिलाएं अपने साथ लेके आ रही हैं प्रदर्शन के दौरान घंटाघर में, उनको ना लाया जाए, लेकिन लगातार बच्चे वहां पर मौजूद हैं। उसके बाद अब जिस तरह से नोटिस दी गई है सीए के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको न्यायालय बाल कल्याण समिति के द्वारा, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो 18 वर्ष के आयु से कम के आयु के बच्चे हैं उनको नहीं, लेकिन गगन आप कह रहे हैं कि पहले भी बोला गया है लेकिन महिलाएं सुन नहीं रही हैं, तो फिर ये नोटिस वापस भेजने का क्या मतलब हो जाता है जब इसे माना ही नहीं जा रहा है? देखिए, फिलहाल अभी तक बाल संरक्षण आयोग की तरफ से जब नोटिस दी गई थी उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई की बात नहीं कही गई थी, लेकिन अब जब न्यायालय बाल कल्याण समिति ने नोटिस दी उसमें साफ तौर पर कहा है कि अगर आप बच्चों को नहीं हटाते हैं तो तत्काल रूप से आपके ऊपर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इससे पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं महिलाओं के खिलाफ जुलूस निकालने की, लगातार महिलाएं वहां पर पहुंच रही हैं, जुलूस निकाल रही हैं और बच्चों को लेकर आ रही हैं। तो फिलहाल अब जब न्यायालय बाल कल्याण समिति ने नोटिस देकर ये साफ तौर पे कहा है कि अगर आप नहीं हटाते हैं तो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ये माना जा रहा है कि शायद इस कार्रवाई के डर से बच्चों को ना लेके आए। लेकिन लगातार ये चौथी नोटिस है, इससे पहले बाल संरक्षण आयोग मानवाधिकार नोटिस दे चुका है, पुलिस लगातार कह रही है कि बच्चों को ना लेके आए, फिर भी वहां पर छोटे से छोटे बच्चों को लेके आया जा रहा है, उनके मुंह से काफी जहरीली बातें कहलवाई जा रही हैं। चलिए देखते हैं गगन, सख्त एक तरह से कह सकते हैं कि कदम उठाया गया है। अब कार्रवाई की बात जब सामने आ रही है तो महिलाएं जो पहुंचती हैं वो लेकर पहुंचती हैं अपने बच्चों को या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।